मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी के बालाघाट जिला चुनावी प्रभारी याया कुरैशी की प्रमुख उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों की बैठक वारासिमनी में आयोजित की गई। इसमें चुनावी रणनीति व समीक्षा के लिए कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों से चर्चा की गई। वहीं विशेष निर्देश भी दिए गए। ऊर्जा व उत्सव से परिपूर्ण इस बैठक में वारासिमनी विधानसभा प्रमुख शरद जैन, अमर आर्मर सादिक कुरैशी, निर्दोष बितेन, दीपक रहंगडाले, कमलेश तामटेके, विजय भगत, हारवेल शेंद्रे और भी बाकी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी ने यह भी तय किया कि उपचुनाव में वह सारी सीटों पर लड़ सके और इस चुनाव में आम आदमी के मुद्दों को रखकर चुनाव लड़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी की उनके खुद के लोग इनसे निराश है। उनके अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं, उनकी नीतियां सारे लोगों के सामने आ चुकी है, इसीलिए आम लोगों में भी इनके प्रति निराशा है और आम आदमी पार्टी की तरफ आम जनता आकर्षित हो रही है। आशा है कि हम इस पर खरे उतरेंगे और हम जनप्रतिनिधि नहीं जनता का सेवक बनेंगे, जनता का काम करना चाहते हैं। देखिए, आज हमारा जो प्रदेश से जो कार्यक्रम तय हुआ है उसमें आज मैं वारासिमनी में हूँ, इसके बाद बालाघाट और लांजी तक मुझे जाना है। आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि ये नगरीय निकाय के जो चुनाव हैं उनमें सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ सकें और इस चुनाव में आम आदमी के मुद्दों को केंद्र में रखकर पूरा चुनाव लड़ाया जाए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खुद के लोग उनकी पार्टियों से निराश हैं, उनके अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और उनकी नीतियाँ सारे लोगों के सामने आ चुकी हैं, इसलिए आम लोगों में भी उनके प्रति निराशा है और आम आदमी पार्टी की तरफ आम मतदाता जो है वो बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि उन आशाओं पर हम खरे उतरेंगे और हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं जनता के सेवक बनना चाहते हैं, जनता का सेवक बनकर काम करेंगे, ये हमारा। इन ग्राम पंचायत और नगरीय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने फिर तो क्या